Is everybody comfortable? Kunj mein viraje ghan shyam radhe radhe. Kunj mein viraje ghan shyam radhe radhe. Kunj mein viraje ghan shyam radhe radhe. Kunj mein viraje Shyam Radhe Radhe Ghan Shyam Radhe Radhe 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 Kunj mein viraje ghan Oh.
Thank you.
जय नित्यानंद जय। मैं ज्यादा करके वृंदावन से पिछले 22 साल से मैं वैंकूवर कनाडा में रहता हूँ। आप सब भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके आज के होस्ट श्री ब्रजभूषण जी का विशेष तौर पर धन्यवाद कि सबने वोटीज को भक्तजनों को बुलाया और इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। घर का नाम उन्होंने शुरू से ही वृंदावन रखा है तो डायरेक्शन उसी तरफ की है। सब वैष्णव भक्तों को बुलाया है। मुझे आज आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। ये मेरठ में बिल्कुल यूनिक प्रोग्राम चल रहा है। डिवोटीज का प्रोत्साहन यहाँ इतना अच्छा है। इतनी सुबह सुबह सब लोग नहा धो के तैयार होके बच्चों को लेके प्रोग्राम में आप लोग पहुँचे हो, बहुत बहुत प्रशंसनीय है। और भी जो लोग काम आते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि और ज़्यादा आए और भी प्रोग्राम में। जो लोग केवल यहीं आए हैं और प्रोग्राम्स में नहीं आते हैं उनसे हमारा निवेदन है कि भक्तजनों के साथ में जुड़ें, सीखें, समझें और इनका साथ दें और भगवान नाम के प्रचार में मदद करें। आप लोगों में से कौन कौन लोग दान करते हैं? कुछ भी दान, कभी भी, कोई भी दान, किसी भी तरीके का, मेरे ख्याल से सभी करते हैं। सबसे अच्छा दान कौन सा है कौन बता सकता है? हरि नाम। जो कोई भी मैं क्वेश्चन पूछो प्लीज हाथ उठाने का। तो हरि नाम से बड़ा दान कोई नहीं है, तो हमें हरि नाम का दान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमारी भक्त समूह की टोली बना के बाहर भेजा है कि हम कोई सोता हो, कोई जागता हो, कोई किसी को नाम सुनना है, किसी को नहीं सुनना है, लेकिन सबको थोड़ा थोड़ा हरि नाम सुनने को मिले। ये संकीर्तन यज्ञ है, ये कलयुग का धर्म है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते। तो आपके शहर मेरठ से हमारा बहुत पुराना नाता है। मेरे पिता जयनंद दास जी का जन्म यहीं हुआ, हमारे बाबा जी का मकान यहीं है मोरी पाड़े में, और एक साधारण परिवार में मेरे पिताजी की परवरिश हुई। बचपन में ही उनकी माता श्री का देहांत हो गया था तो बचपन से जिम्मेदारी काफ़ी उनके सर पे थी। जो जिम्मेदारी उनके सर पे थी उसमें एक मेन जिम्मेदारी ये थी कि अपने पिता को उन्हें रोज भागवत गीता संस्कृत में पढ़ के सुनानी पड़ती थी। तो करीब 8-9 वर्ष की उम्र में उन्हें भागवत गीता के सारे श्लोक संस्कृत में कंठस्थ हो गए। कौन जानता है भागवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700। जिनका नाम बचपन से जयप्रकाश था, 700 श्लोक संस्कृत में उनको कंठस्थ हो गए थे। उनको कुछ मीनिंग भगवत गीता का जो समझ में आता था, उनको लाइफ में ये भगवत गीता का थोड़ा सा चाप, तो जहाँ कहीं जो कोई भी भगवत गीता जैसे ही मिल जाती वो ले आते। हमारे घर में कम से कम 30 भगवत गीता का कलेक्शन था, अलग अलग
लोगों की टिप्पणी भी हुई और ट्रांसलेट की हुई हिंदी में इंग्लिश में। तो उनको मन से कभी भी ये संतुष्टि नहीं हुई कि ये जो भगवद गीता की ट्रांसलेशन या टिप्पणी जिसने की है ये पूरी तरह से सही है। भगवान वास्तव में ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 1979 में जब उन्हें श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता एज इट इज यथारूप मिली तो वो तो उनका हॉबी थी तो वो घर ले आए और घर लाके जब पढ़नी शुरू करी तो सारी रात में उन्होंने सारी भगवद गीता एक बार एक पन्ने से शुरू करके अंत तक समाप्त कर ली। तो सुबह को उठ के उन्होंने कहा कि ये भगवद गीता वास्तव में यथारूप है, क्योंकि जो मुझे लगता था कि भगवान भगवद गीता में कहना चाह रहे हैं कहने की कोशिश कर रहे हैं वो इस भगवद गीता में मैंने लिखा हुआ पढ़ा है। तो श्रील प्रभुपाद की पिक्चर और उनका नाम सब उनको देख के जान के ये हुआ कि मुझे इनसे मिल के आना है। तो वो मंदिर गए मिलने के लिए और उनको बताया गया कि श्रील प्रभुपाद 1977 में चले गए। तो उनको बहुत मन में धक्का लगा और घर आके वो इतने उदास हुए कि ऑलमोस्ट रोने लगे। हमने उनको कभी जीवन में अपने जीवन में रोते हुए नहीं देखा था। उनको श्रील प्रभुपाद से भगवद गीता पढ़ के ऐसा कनेक्शन जुड़ गया कि उनको ऐसा लगा कि आज सब कुछ जो मुझे मिला था सब कुछ छूट गया। लेकिन धीरे धीरे डिवोटीज फिर आए, लोकनाथ स्वामी हमारे घर आए, समझाया कि नहीं श्रील प्रभुपाद है अभी भी अपनी शिक्षाओं के रूप में अपनी बुक्स के रूप में। और लोकनाथ स्वामी ने अपने आप में कहा ओके आप अपने घर शनिवार को शाम को कीर्तन रखो हम आएंगे। तो ऐसे हम लोग घर में ये कीर्तन सत्संग और थोड़ी सी कृष्ण कॉन्शियसनेस शुरू हो गई। बाकी अभी हम भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लोकनाथ स्वामी ने शुरू करा दिया था 1979 में। तो जैसे जैसे फिलॉसफी मेरे पिताश्री को समझ में आती रही वैसे वैसे वो बिजनेस को रनाउंस करते रहे और धीरे धीरे इस्कॉन की तरफ अग्रसर होते रहे, क्योंकि उन्होंने देखा और हमें बताया कि सारे वर्ल्ड में सारे संसार में ये एक ही ऐसा आंदोलन है या इंस्टीट्यूशन है जो भगवान के मैसेज को क्लियर कट बिना कोई मिश्रण किए बिना कुछ चेंज किए वैसे को वैसे प्रेजेंट करता है और लोगों को हर तरीके से जो भगवद गीता में भगवान का मैसेज है उसको फॉलो कैसे करना है ये उसके लिए पूरी संस्था बनाई हुई है। एक तो होता खाली बात, दूसरा उसके उसका अनुसरण कैसे अनुसरण करने के लिए किस तरह से सुविधा प्रोवाइड की जाएगी जो लोग उसका अनुसरण करना चाहते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने जीवन में 108 मंदिरों की सारे दुनिया में स्थापना की और उनके इस पृथ्वी लोक को शारीरिक रूप में छोड़ने के बाद हम ऑलमोस्ट
सारे वर्ल्ड में हमारे 450 मंदिर हैं। तो ये सब मंदिर और ये सब संस्था और ये सब इंस्टीट्यूशन इसलिए है कि हम लोग भगवान की डिवोशनल सर्विस, क्या कहते हैं डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति सेवा में हम किसी भी लेवल पे संलग्न हो सके, क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। तो हर तरीके से जो कुछ भी किसी का भी इंटरेस्ट है वो उसमें जुड़ सके। लेकिन मेरठ में आज मैंने देखा पहली बार कि बिना ही मंदिर के यहां तो सब कुछ हो रहा है। तो जैसा मैंने सुना है कई बार कि मेरठ सबसे ज्यादा जुगाड़ू शहर है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो यहां बिना मंदिर के भी पूरा इंस्टीट्यूशन चल रहा है, आज मुझे समझ में आ गया। तो धीरे धीरे करके हमारे पिताश्री जयनंद दास जी ने इस्कॉन में प्रचार करने का बीड़ा उठाया। वो जगह जगह जाते थे, प्रचार करते थे, लोगों को भगवान नाम के बारे में बताते थे, लाइफ मेंबरशिप करते थे। यहाँ पे मेरठ में आके बहुत सारे लाइफ मेंबर उन्होंने धीरे धीरे करके बनाए। तो दिल्ली में हम ग्रेटर कैलाश में M119 वाले मंदिर में थे, 119 वाले मंदिर में। तो फिर DDA से हमें ये लैंड मिली जहाँ पे जो संत नगर का मंदिर बना हुआ ईस्ट ऑफ कैलाश का। तो जब वो लैंड मिल गई, जमीन मिल गई, तो हमारे गुरु महाराज इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने एक मीटिंग बुलाई कि सब प्रचारकों को बुला के कि भाई अब इस लैंड पे मंदिर बनाना है, ये कैसे बनेगा, क्या होगा, और बहुत सारे धन की आवश्यकता होगी इतने बड़े मंदिर के निर्माण के लिए, तो कौन क्या ला सकता है। तो हमें पता चले सबसे पहले हाथ उठा दिया। ये 1989 की बात है, उस समय पैसा आज कल जो है उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट था, ये तो आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। तो उस समय उन्होंने कहा कि इस मंदिर के लिए मैं 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करूंगा। तो हमारे बड़े भाई आदिदेव जी भी इस संस्था में प्रचारक थे, तो उनको लगा पापा ने इतना कैसा इतनी बड़ी बात कह दी। हम तो सोच रहे थे कि कोई 20 लाख कहेगा, कोई 25 लाख कहेगा, कोई 30 लाख कहेगा, तो सीधा 2 करोड़ की बात की है। तो उसको लगा पता नहीं कैसे करेंगे, क्या होगा, 2 करोड़ की बात है। तो उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा ठीक है, अगले 5 सालों में, आने वाले 5 साल में मैं 2 करोड़ रुपए इस मंदिर के लिए कलेक्ट करके लाऊंगा। तो उन्होंने अगले आने वाले 5 सालों में वो 2 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, और 1994 में जैसे ही वो 2 करोड़ रुपया उनका इकट्ठा होना पूरा हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो वो उनके जीवन का एक लक्ष्य था, जब उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने कहा इस संसार में मेरे लिए कुछ बाकी नहीं है, वो चले गए। जो ग्लोरी ऑफ इंडिया मंदिर है आप सबने देखा होगा, कितने लोगों ने ग्लोरी ऑफ इंडिया मंदिर देखा है, नहीं देखा? ग्लोरी ऑफ इंडिया मतलब राधा पाठशाला का मंदिर सबने देखा, किसी ने नहीं देखा? किसने राधा पाठशाला का मंदिर नहीं देखा? और कुछ लोगों ने नहीं भी देखा है, देखा ही नहीं है। ईस्ट ऑफ कैलाश वाला मंदिर बड़ा वाला, संत नगर वाला, अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अंत समय में वो मंदिर में भगवान की पूजा होते नहीं देख पाए,
लेकिन मैं कभी भी जब भी वहां जाता हूं तो उनकी प्रेजेंस जो है मुझे वहां फील होता है। उनका मन हमेशा उस मंदिर में ही था। तो आज मुझे लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ चर्चा करने को आदेश प्राप्त हुआ है। ऐसे मुझे कुछ ज्यादा आता तो नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा से जो कुछ थोड़ा बहुत श्रील प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ लेता हूँ उसको आगे लोगों के सामने रिपीट कर देता हूँ। मुझे याद आया कल रात को लेट कि कुछ महीने पहले मैंने एक स्लाइड शो बनाया था चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कि चैतन्य महाप्रभु की पिक्चर और भी चार लोगों के साथ लगी रहती है, उनको कौन जानता है, ये ऐसे पंचतत्व में पांचों के नाम कौन जानता है, कोई बच्चा नहीं जानता। आप पंचतत्व में पांचों के नाम श्री अद्वैत, श्री गदाधर, श्रीवास, नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु स्वामी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। तो बीच में लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु है, जो हमारे मायापुर में ये डीडीज हैं, मायापुर में ये पंच तत्व के दर्शन किस किस ने किए, कोई मायापुर नहीं गया, खाली एक फैमिली। ये चैतन्य महाप्रभु मायापुर के 10 फुट से भी ज्यादा ऊंचे, आगे ये पंच तत्व के बारे में बताया गया है कि ये पंच तत्व वास्तव में कौन पर्सनालिटी है। ऐसे तो हमने नाम अब हमें समझ में आ गए, श्री कृष्ण चैतन्य दैट्स वन नेम, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास, ये पांच कौन कौन है, इनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो क्या है, ये सब कौन जानता है। ओके, तो हम एक एक करके एक जानते हैं, एक एक करके हम इन सब पर्सनालिटीज को लेके डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहले जो सबसे उधर है, सबसे सीनियर लुकिंग पर्सनालिटी, बहुत बड़ी वाइट दाढ़ी है, इनको हम डिस्कस करेंगे। इनका नाम है श्री अद्वैत। इनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी कौन जानता है, इनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी, ये महाविष्णु है और सदाशिव भी है, नॉट शिव सदाशिव। ये महाविष्णु, इनका महाविष्णु का आपने कभी अवतार सुना नहीं होगा, विष्णु के अवतार होते हैं, महाविष्णु के अवतार नहीं। तो महाविष्णु के अवतार से कनेक्टेड कृष्ण लीला में कथा आती है,
आप लोगों ने सुनी है। एक बार जब पांडवों का भगवान की लीला चल रही थी और पांडवों का राजसूय यज्ञ कंप्लीट करा के भगवान स्वयं द्वारका वापस चले गए थे, तो वहां पे भगवान अपना यज्ञ करवा रहे थे, तो उसमें अर्जुन को भी बुलाया गया, अर्जुन भी वहां था। तो अर्जुन वहां था तो अर्जुन ने भगवान के यज्ञ में हिस्सा लिया और वहां एक ब्राह्मण आया जो द्वारका का निवासी था और उसने भगवान को चैलेंज किया कि आपको यज्ञ करने की कोई क्षमता नहीं होनी चाहिए, नहीं है। प्रभु जी आप थोड़ा सा ऊपर बैठे हो किसी चीज पे, आप बिल्कुल फ्लोर पे हो, क्यों? क्योंकि आपके राज्य में मेरे पुत्रों की मृत्यु हो रही है। अगर किसी पुत्र की मृत्यु उसके पिता के सामने हो तो उसको माना जाता है कि ये बात ठीक नहीं है, इसका मतलब यहां का राजा ठीक नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी मेरा वो चल रहा है यज्ञ, आप बाद में आना। उन्होंने कहा नहीं, मैं बाद में नहीं आऊंगा, मुझे अभी मेरे पुत्र एक और मेरे घर में जन्म होने वाला है, उसकी सुरक्षा मुझे अभी चाहिए। तो अर्जुन ने यह बात सुनी तो अर्जुन ने कहा ठीक है, आपका जो पुत्र घर में जन्म होने वाला है उसकी सुरक्षा के लिए मैं आपके साथ चलूंगा। तो ये तो अर्जुन को जानता नहीं था, तो उसने अर्जुन को भी चैलेंज किया कि तू कौन है, किस हस्ती से आप कह सकते हो कि आप मेरे पुत्र की रक्षा करोगे? तो उन्होंने बताया मैं अर्जुन हूं और मैं ये प्रण करता हूं कि अगर जो आज मैं आपके पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो अर्जुन उस ब्राह्मण के साथ उसके घर उसके पुत्र की रक्षा के लिए गए और उन्होंने उसकी जो कुटिया थी, हट थी, उसको झोपड़ी, उसके ऊपर पूरा सुरक्षा का कवच अपने बाणों से बना दिया कि उसके अंदर कोई मक्खी भी नहीं जा सके। लेकिन जब वो ब्राह्मण के पुत्र का जन्म हुआ तो किसी शक्ति ने ऊपर से आके उसके कवच को तोड़ दिया और उसके पुत्र को वो शक्ति ले गई। तो टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अर्जुन उसकी रक्षा नहीं कर पाए, तो शाम होते तक अर्जुन को अग्नि समाधि लेने का समय आ गया कि पुत्र की रक्षा नहीं हुई, अग्नि समाधि लेने का प्रण किया था वो। तो इतने भगवान आ गए कि नहीं नहीं नहीं, अर्जुन को मरने नहीं दे सकते, अभी तो महाभारत का युद्ध नहीं हुआ है, धर्म की स्थापना नहीं हुई है, ये अर्जुन पहले ही मर जाएगा तो कैसे चलेगा, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। हाँ, इस जो जो ब्राह्मण है उसके पांच पुत्रों की हत्या हो चुकी थी, पांच पुत्र जा चुके थे, चलो हम इसके पुत्रों को कहीं से ढूंढ के लाएंगे। तो पुत्र जो मर गए कहां गए होंगे, यमराज के पास गए होंगे, यमराज को जाके पूछा कि नहीं मेरे पास उस ब्राह्मण के पुत्र नहीं है। तो बहुत सारे आवरण है, लेयर्स है इस संसार में जो हमें दिखते नहीं है, शास्त्र चक्षु से हम उनको देख सकते हैं क्योंकि शास्त्रों में उसका वर्णन है। तो सब लेयर्स को पार करते करते सब जगह उन्होंने स्वर्ग में नरक में जो हम जानते हैं उसके बाद भूवरलोक महरलोक तप लोक सत्यलोक जहां ब्रह्मा जी का निवास है वहां तक सब चेक कर लिया और ब्रह्मा के पांच पुत्र कहीं नहीं है। तो अंत में उन्हें महाविष्णु के पास जाना पड़ा और महाविष्णु ने जाते ही भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि आप जो
पांच पुत्रों के ब्राह्मण की खोज कर रहे हैं वो मेरे पास है, आप इनको ले जा सकते हैं, मुझे आपके दर्शन हो गए। भगवान ने कहा अच्छा तूने उसके पांच पुत्रों का अपहरण क्यों करता? तो महाविष्णु ने कहा मुझे आपके दर्शन करने थे, आप अपनी लीला करने पृथ्वी लोक पे आते हैं, सब पृथ्वी के निवासियों को आपके दर्शन होते हैं, मेरे लोक में तो कभी आपकी लीला नहीं होती और ना मैं कभी पृथ्वी लोक पे जाता हूं, तो मैं मुझे आपके दर्शन मिले उसका तरीका केवल एक ही था कि मैं आपके राज्य के ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण करता गया जिससे कि एक दिन आप इन पुत्रों को मेरे से वापस लेने आएंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा चल ठीक है तेरे को हो गए दर्शन। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है आपको जो भगवान के दर्शन जो है अमोघ हैं, तो महाविष्णु जी ने भगवान से ये प्रार्थना की कि कभी आप किसी अवतार में मुझे भी अपनी सेवा में उपस्थित होने का है। पतित पावन सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु ने यहां तक कि खाली शेड्यूल कास्ट को क्या कहते हैं हरिजन, ना केवल उन्होंने हरिजनों को गले लगाया बल्कि उन्होंने कोड़ियों को भी गले लगाया। तो चैतन्य महाप्रभु सबसे दयालु अवतार है और उन्होंने महाविष्णु को ये अपने साथ आके लीला करने का अवसर दिया। अब जो नित्यानंद है लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु के राइट हैंड साइड जो वो लॉर्ड नित्यानंद है। नित्यानंद कौन है कौन जानता है? श्री बलराम जी। लॉर्ड नित्यानंद इज नॉन डिफरेंट देन लॉर्ड बलराम। लॉर्ड बलराम को आप जानते हैं, इनको अनंत शेष के नाम से भी जाना जाता है। आपने जो पिक्चर में देखा विष्णु जी बैठे हैं उनके पीछे जो नाग है वो अनंत शेष है, एक रूप में सारे यूनिवर्स सारी क्रिएशन को अपने सर पे धारण करते हैं, वो भी अनंत शेष है। और जब भगवान राम के रूप में आते हैं तो रामलीला में लक्ष्मण जी के रूप में आते हैं, वही अनंत शेष है। और जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो वो बलराम के रूप में आते हैं, और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो वही पर्सनालिटी नित्यानंद के रूप में प्रकट होती है। किसी के पास नित्यानंद प्रभु के बारे में कोई प्रश्न है? यू कैन गो ऑन। कितना टाइम है हमारे पास? साढ़े नौ, साढ़े नौ तो बच गए। तो बीच में लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं वो कौन है? राधा एंड कृष्ण। ये पर्सनालिटी कौन जानता है? इसमें तीन भगवान का षटभुज रूप, इसमें भगवान की छह भुजाएं हैं और तीन अवतार हैं। भगवान राम एक तरफ से धनुष पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से बाण। कृष्ण लॉर्ड कृष्ण जो बीच में मुरली बजा रहे हैं, और चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने क्या पकड़ा हुआ है? चैतन्य महाप्रभु षटभुज रूप में संन्यास दंडा और कमंडल पकड़ के रहते हैं। ये तो चित्र है लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है संन्यास दंडा और कमंडल। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का पर्पस कौन जानता है? चैतन्य
चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण कलयुग में भगवान नाम का प्रचार करने के लिए कलयुग में, जिससे कि भगवान की प्राप्ति हम लोगों को सहज सरल रूप से हो जाए, क्योंकि कलयुग के प्राणी सबसे ज्यादा लोअर स्टैंडर्ड, सबसे ज्यादा पतित माने गए। तो और पर्पस ये भी है कि श्रीमती राधा रानी को जब भगवान कृष्ण रूप में आते हैं तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी को ये प्रॉमिस भी किया, वो लीला कौन जानता है। भगवान श्रीमती राधा रानी से वृंदावन के जंगलों में मिला करते हैं। तो एक बार श्रीमती राधा रानी के चुन्नी उन्होंने ओढ़ ली और राधा रानी से पूछा, अब मैं कैसा लगता हूं। तो राधा रानी ने कहा, आप बहुत सुंदर लगते हैं चुन्नी ओढ़ ली, तो क्यों नहीं मैं ऐसे करूं, कल को मैं पूरा घाघरा चोली सब ले आऊंगी और आपका गोपी रूप में श्रृंगार कर दो। तो भगवान ने कहा, हाँ ये बात ठीक है। तो अगले दिन का अरेंजमेंट हुआ, श्रीमती राधा रानी घाघरा चोली चुनरी सब कुछ और सब साज श्रृंगार कान के नाक के गले के पैर के हाथ के सब ले आए और भगवान कृष्ण को सब श्रृंगार करके सब पहना दिया गया, क्योंकि हमारी संस्कृति में पुरुष लोग के भी कान में छेद होते जैसे ये प्रभु जी के। तो सब श्रृंगार करके जब उनको तैयार कर दिया तो भगवान श्रीमती राधा रानी को देख के कहते हैं कि देखो अब मैं बन गया ना पूरी राधा। तो राधा रानी कहती है, आप कभी राधा नहीं बन सकते, आप कितना श्रृंगार कर लो कितनी भी चोली पहन लो लेकिन आप राधा नहीं बन सकते, क्योंकि राधा आपकी भक्त है और आप स्वयं भगवान हो। भगवान जिस तरह से भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता उस तरह से भगवान भी भक्त नहीं बन सकता। जो मेरे हृदय में मेरे मन में जो भक्ति और जो श्रद्धा और जो प्रेम आपके लिए है वो आपके हृदय में नहीं है। आप कह रहे हो अपने आप को राधा लेकिन आपके अंदर राधा का हृदय नहीं है। आपने राधा कपड़े जरूर बाहर से पहन लिए, राधा के आभूषण जरूर पहन लिए लेकिन राधा का हृदय नहीं है। तो भगवान को ये बात दिल को लगी तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं इस धरती पे अपने भक्त के रूप में अवतार लूंगा। तो भगवान ने राधा रानी का को दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए राधा रानी के अपने भक्त के रूप में स्वयं अवतार लिया और वो आपके सामने है। ये कौन है? श्रीवासाचार्य। श्रीवासाचार्य जो इस पिक्चर में सबसे इधर है, हाथ जोड़ के खड़े, श्रीवासाचार्य श्री नारद जी का स्वरूप है। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में आ जाता है। गदाधर कहाँ गए? भगवान ने राधा रानी को ये वचन दिया कि मैं अपने भक्त के रूप में अवतार लूंगा। तो राधा रानी का जब आप अवतार लेंगे
तो मुझे भी आना है, लेकिन भगवान इस बार मेरे ऊपर इतनी कृपा करना, मुझे स्त्री के शरीर में मत लाना, क्योंकि स्त्री के शरीर में जब मैं आती हूं तो आपसे मिलना केवल कुछ क्षणों का होता है। मैं सारा दिन आपके साथ रहना चाहती हूं, मैं सारे दिन आपके साथ खेलना चाहती हूं, मैं आपके साथ वन में जाना चाहती हूं, मैं आपके साथ गुरुकुल में जाना चाहती हूं। आपका गुरुकुल है बॉयज का, वहां मैं नहीं जा सकती, आपके घर मैं नहीं जा सकती, मैं स्त्री हूं। कहीं मैं बाहर आपसे मिल नहीं सकती, लोगों की लोग लाज और ये सब परेशानी साथ में रहती है, तो मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपके साथ खेलना है, मुझे आपके साथ समय व्यतीत करना है, लेकिन ये स्त्री का शरीर मुझे मत देना। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु। भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के लीला के समय श्रीमती राधा रानी को कौन सा शरीर दिया? श्री गदाधर पंडित। श्री गदाधर पंडित बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु की एज के थे, आस पास में पड़ोस में रहते थे, साथ में हाथ पकड़ के स्कूल जाया करते थे, अपना अपना बस्ता लेकर साथ में हाथ पकड़ के स्कूल से वापस आया करते थे। कभी कभी स्लम्बर पार्टी किया करते थे कि चल तू मेरे घर में आके सो जा, मैं तेरे घर में आके सो जाऊं, जैसे बच्चे क्या करते हैं। तो ये दो बॉयज में तो पॉसिबल है। आप कहो कि एक लड़का एक लड़की, चाहे 10 साल के भी हो कि मैं उसके घर सोने जा रही हूं, अच्छा बिटेगी क्या? तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित, ऑल दो भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी है, लेकिन स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, और उन्होंने ऐसे ही अपना बचपन साथ में बिताया और ऐसे ही अपनी लास्ट टाइम। चैतन्य महाप्रभु की लीला बहुत जल्दी, जैसा कि मैंने पहले बताया, 48 इयर्स में ही समाप्त हो गई थी, लेकिन गदाधर पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि तुम यहीं रहो और ये जो स्वरूप है मेरा मूर्ति स्वरूप, उसकी पूजा करो। वो मूर्ति स्वरूप जिसकी पूजा करते थे गदाधर पंडित, कौन जानता है उनका नाम क्या है? कोई जगन्नाथपुरी नहीं गया? क्या नाम है? जगन्नाथपुरी गई है, नाम नहीं पता है। टोटा गोपीनाथ मंदिर गए थे बेटा? टोटा गोपीनाथ वही गदाधर पंडित की भगवान है। जब चैतन्य महाप्रभु ने 48 साल की उम्र में अपनी लीला समाप्त की, तो चैतन्य महाप्रभु ने, भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को 3 जगह एक साथ में अपनी लीला समाप्त करते हुए देखा। कौन जानता है ये 3 जगह है? एक जगह भक्तों के साथ जाते हुए चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल आपे से बाहर होके समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए, उसके बाद कभी नहीं मिले। और एक जगह चैतन्य महाप्रभु जो उनका कमरा था उसको कहते गंभीरा, वो रूम के अंदर, क्योंकि भगवान को एक्सटेटिक सिम्टम्स होते थे और वो जैसे फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड आप कह सकते हो कि सुसाइडल होते थे, कंट्रोल से बाहर उनको, उनके अंदर से एक्सटेसी उनके ऐसे आती थी भक्ति में कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो भक्तों ने उनको उनके रूम में बाहर से लॉक करके अंदर बंद किया हुआ था, खाली रात रात के लिए, कि रात को ये कहीं उठ के कहीं चले नहीं जाए। तो उनके सर्वेंट जो होते थे वो उनके बेड के नीचे ऐसे लेट जाते थे सारे, कि अब ये कहीं जाएंगे तो ये हमारे ऊपर से जाएंगे। लेकिन भगवान ने फिर भी एक दिन उनको बिना टच करे सारों को क्रॉस कर दिया। तो उस दिन से उन्होंने लॉक लगाना शुरू कर दिया, लॉक लगा के रखेंगे इनको रात को। तो वहां पे जो भक्त जन थे उन्होंने देखा कि ये लॉक लगा के रखे हुए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सुबह को उठे तो
भगवान वहां नहीं थे, भक्तदान हो गए। और तीसरी जगह भक्तों ने श्री चंद्र महाप्रभु को लीला समाप्त करते हुए टोटा गोपीनाथ मंदिर में देखा। वहां कीर्तन चल रहा था, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे और भगवान मंदिर के अंदर आए, जैसे टेंपल हॉल में गए। उसके बाद जैसे ऑल्टर होता है, ऑल्टर के गेट होते हैं, ऑल्टर के ऊपर गए, पीछे से डोर बंद कर लिया। तो भक्तजन कीर्तन करते रहे कि बच्चों पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ उनको शंगार ठीक करना है या क्या करना है, जो कुछ भी कर रहे हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर में खोल देंगे। लेकिन उन्होंने डोर नहीं खोला। और जब भक्तों ने डोर खोला या तोड़ा तो देखा अंदर चंद्र महाप्रभु नहीं, लेकिन ये टोटा गोपीनाथ की जो मूर्ति है, एक केवल कृष्ण भगवान की मूर्ति, उनके यहां नी में एक छेद मिला। तो भक्त ऐसा मानते हैं कि वो उस छेद में से, वो उस मूर्ति में प्रवेश कर गए। तो गदाधर पंडित, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया कि इस मूर्ति की सेवा करनी है, और भगवान स्वयं उस मूर्ति के अंदर प्रवेश कर गए थे। तो जब गदाधर पंडित उम्र ज्यादा हो गई, तो जैसे ज्यादा ज्यादा उम्र होते हैं लोग श्रिंक होते हैं, तो टोटा गोपीनाथ मूर्ति अच्छी खासी लंबी थी, तो गदाधर पंडित से उनको माला नहीं पहनाई जाती थी, उनका मुकुट नहीं पहनाया जाता था। तो एक दिन उन्होंने कहा, भगवान मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मैं आपको माला नहीं पहना सकता हूं, मैं मुकुट नहीं बना सकता हूं, मैं बहुत छोटा रह गया हूं, आप इतने ऊंचे हैं। ये एंग्जाइटी में वो सो गए। तो सुबह को उठे, ऑल्टर खोला तो देखा भगवान बैठे हुए। आपने कभी कहीं कृष्ण भगवान की बैठे हुए मूर्ति देखी है किसी मंदिर में? नहीं देखी है। वो दिन है और आज का दिन है, ये मूर्ति रूप में भगवान आज भी बैठे हुए हैं गदाधर पंडित के टोटा गोपीनाथ मंदिर में, जगन्नाथपुर। तो आप लोग जरूर से जब भी जाएं जगन्नाथपुरी में, टोटा गोपीनाथ के दर्शन अवश्य करके आए। और अलारनाथ के भी, अलारनाथ के बारे में बता दें, और दो मिनट है। अलारनाथ आप गए थे बेटा? अलारनाथ, अलारनाथ बुक जगन्नाथपुरी से और आगे 20 किलोमीटर टैक्सी में जाना पड़ता है। आपने सुना होगा रामायण में कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जब सीता जी का हरण हो गया था, उसके बाद उन्होंने एक गुफा में, एक अंधेरा में बैठ के, जो रेनी सीजन होता है, क्या कहते हैं हिंदी में, बरसात, बरसात का सीजन आया, तो उन्होंने वेट किया। और जब उन्होंने वहां बैठ के प्रतीक्षा की, तो अपने सारे बाण निकाल निकाल के ना उनको पहना किया, तो वो एक ब्लैक ग्रेनाइट का पीस था बहुत बड़ा, उसके ऊपर वो अपने बाण तेज किया करते थे। तो जब वो 4 महीने बीत गए और बाण तेज करते करते, तो वो पत्थर ने कुछ ऐसा स्वरूप ले लिया, वो विष्णु जी की मूर्ति नजर आने लगी। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास के बाद जब जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तो उनको बुलाया गया, उनको बताया गया, प्रसाद रेड्डी, तो उनको किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे अलारनाथ में मंदिर है जहां पे भगवान विष्णु के। अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु वो मूर्ति के अलारनाथ में दर्शन करके गए, और मूर्ति देखते ही इतने भाव विभोर हो गए कि वो मूर्छित होके गिर गए, और उनके शरीर से इतनी गर्मी निकली एक्सटेटिक रूप से,
कि जिस पत्थर के ऊपर वो गिरे थे वो पत्थर पूरा पिघल गया और उनके पूरे शरीर का अंकन उस पत्थर में हो गया। आप लोग आज भी जाके उस पत्थर के दर्शन कर सकते हैं। उसके ऊपर 10 फुट का चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर है, अंकित है पूरा पत्थर। और वही भगवान विष्णु की मूर्ति जो एक तरह से भगवान श्री राम ने अपने हाथों से गढ़ी। अलारनाथ, अलारनाथ, अलारनाथ जगन्नाथपुरी से थोड़ा आगे है। तो एनीवे किसी कोई प्रश्न है, किसी के पास कोई प्रश्न है जो हमने बताया उसके बारे में या किसी और बारे में कोई कुछ जानना चाहता है? चैतन्य महाप्रभु के व्रत के बारे में बताइए। चैतन्य महाप्रभु के व्रत के चैतन्य महाप्रभु का जो अपीयरेंस डे है वो होली के दिन होता है। छोटी होली होती है बड़ी होली? छोटी होली, छोटी होली के दिन होता है। और उस दिन व्रत किया जाता है शाम को जब तक मून राइज, हिंदी में क्या कहते हैं मून राइज, चंद्रोदय, चंद्रोदय नहीं हो, जब तक चंद्रोदय नहीं हो तब तक व्रत किया जाता है। सारा दिन भजन कीर्तन प्रवचन हियरिंग चैंटिंग में व्यतीत किया जाता है। और हमारे मेरठ के भक्तजन कोई प्रोग्राम यहाँ जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे। अभी कुछ फाइनल नहीं है ना, वेन्यू अन्नपूर्णा मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर में 3 बजे से 7 बजे तक का वहाँ प्रोग्राम है। तो आप लोगों को सबको आने का निमंत्रण है। और चैतन्य महाप्रभु का जो ये अपीयरेंस 525वां अपीयरेंस होगा ना इस बार, 525वां। तो आज अगर वो होते तो 525 साल के होते, 525वां अपीयरेंस डे मनाया जाएगा सारे वर्ल्ड में। हम पूरे 450 मंदिर में भव्य रूप से गौर पूर्णिमा कहते हैं उसको, होली, होली के दिन होता है गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म दिवस हम सारे विश्व में अच्छी तरह से मनाते हैं। और व्रत के अलावा, व्रत के अलावा तो भी भगवान जी का अभिषेक होगा, जो 16 माला चांदी का पालन करते हैं वो अभिषेक करेंगे। जो भक्त जन 16 माला करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं वो अभिषेक भी कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक होगा वहीं अन्नपूर्णा मंदिर में। और किसी का कोई प्रश्न है तो हमारी एक बार फिर से आप लोगों से ये प्रार्थना है कि जो भक्त लोग ये प्रचार कार्य में लगे हैं वो बहुत बहुत प्रशंसनीय हैं। मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। और जो लोग कम लगे हुए हैं वो अपना जो प्रोत्साहन है आपका जो साथ है वो बढ़ाएं डिवोटीज के साथ में। और जो नहीं लगे हुए हैं वो यहाँ पे भक्तजनों के साथ मिलें और उनके साथ हर जगह सत्संग में कीर्तन में प्रवचन में जाएं। इससे बड़ा दान, हरि नाम से बड़ा दान कोई नहीं है और हरि कथा से अच्छी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। थैंक यू वेरी मच। कोई बच्चे कुछ गाने वाले हैं?
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे श्री राधा श्याम सुंदर गोविंद महाप्रसाद की।